हमारे जैसे बंदे जो पढ़े लिखे हैं इंडिया में नहीं मिल पाता इतना रोज़गार, इतने पैसे कर कर चाहे मैं यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आकर मैंने क्या क्या बेनिफिट है, मैं क्यों आया, इतने रुपये ला के, इतने रुपये ला कर मैं उड़े सरकारी नौकरी भी लाया जाता हरियाणा में, बता दूँ भाई मैंने जॉब मेरे को मिल चुकी है और जो पहली जॉब मेरे को मिली है उसकी अगर आप स्टार्टिंग सैलरी सुनोगे तो आप भी चौकन्ना हो जाओगे। राम राम भाई सारे ने। तो भाई यह वीडियो स्पेशली उन बंदों के लिए है जो थोड़ा बहुत बाहर आने में इंटरेस्टेड हैं। तो पहली वीडियो मैंने डाली थी जो इंडिया से कनाडा मैंने ट्रैवल किया था वह वीडियो डाली थी, तो उसमें कम से कम भी 100-150 बंदे आने मेरे तो पूछी थी कि भाई आपका खर्चा कितना आया, टोटल खर्चा कितना पैसा लगे आपका वो बताओ एक बार वीडियो में। तो मैं यह वीडियो उसी के रिगार्डिंग बना रहा हूँ कि भाई मेरे टोटल पैसे, मेरे माँ बाप कितने पैसे लगे हैं मेरे को इस मुकाम तक, मेरे को इस कंट्री में भेजने के लिए, मेरे को पढ़ाई के लिए भेजने। तो मैं पूरा पूरा आप लोगों को ब्यूरो बताऊंगा एक एक चीज़ जो मेरी पार्टिकुलरली बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट की भाई इतनी मेरी अमाउंट लगी है, मैंने इस पेपर पर लिख लिया है सारी की सारी अमाउंट, तो मैं आप लोगों को भाई एक बार बता देता हूँ ओवरऑल क्या क्या प्रोसीजर है। और इसी वीडियो में मैं पूरा फाइलिंग का प्रोसीजर भी बताऊँगा कि किस प्रकार से फाइलिंग स्टार्ट होती है, कि भाई पहला स्टेप आपका क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, फाइल लगती है उसके बाद जमा होती है, तो हर एक स्टेप है जो जो आपके लिए जो भी होता है मेडिकल होगा जो भी होगा उसकी सारी एक एक मैं डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में। तो भाई ये सारा का सारा मामला स्टार्ट होता है भाई आईलेट्स से। आईलेट्स आपने पता होगा एक टेस्ट होया है जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये चार मॉड्यूल होते हैं, तो ये हमने टेस्ट देना पड़ता है अगर हम बाहर आते हैं। तो ये जैसे दुबई, दुबई ये छोटी मोटी कंट्री, सिंगापुर, मलेशिया, इनमें तो देना नहीं पड़ता, ना ही इनमें कोई मायने रखता इन चीज़ों की, लेकिन जो मेन कंट्री है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं जो है ऑस्ट्रेलिया और एक है दूसरी कनाडा, पहले नंबर पर कनाडा आती है जो सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट, जो भी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एक एक दो दो इनटेक के पहले सब कुछ बुक होया रहा है, तो सबसे पहले नंबर पर कनाडा, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज़्यादा बच्चे तो पहले ही जो मेन स्टेप हुआ आईलेट्स का, आईलेट्स की जो भाई मैंने फ़ीस करनाल से मैंने की थी, ठीक है, तो उसमें जो पर मंथ की उसकी फ़ीस थी वो थी 4,000 रुपये और मैंने करी थी 3 महीने, तो 3 महीने के हिसाब से 4,000 के हिसाब से हो गए अपने 12,000 रुपये टोटल। तो 3 महीने में मैंने ये आईलेट्स अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो ये बस क्या बात आती है, आईलेट्स का मैंने पेपर बुक करना होता है, तो वो उसके बाद हमने कराया आईलेट्स का पेपर बुक जो कि उस टाइम पर 12,500 के आसपास उसकी डेट चल रही थी। तो मैंने 2019 में मैंने अप्रैल के आसपास मैंने बुक किया था पेपर 12,500 के आसपास, तो दूसरा स्टेप हो गया जो आईलेट्स की एग्ज़ाम की फ़ीस थी, तो 12,000 आईलेट्स के, 12,500 उसके एग्ज़ाम के। तो मैंने करनाल में एग्ज़ाम दिया था, एडवेंचर होटल है। उसके बाद आती है भाई सारी होगी मेरी आईलेट्स भी होगी, पहले बारी में मेरा आईलेट्स में 6 बैंड आ गए थे, मेरे लिसनिंग में 6.5 थे, रीडिंग में 6.5 थे, राइटिंग में मेरे 6 थे और स्पीकिंग में मेरे 6 थे, तो ये मेरे ओवरऑल 6.5 बैंड बने थे पूरे के पूरे उसमें। तो ये था मेरा भाई आईलेट्स में, तो मेरे पहली बार में ही मैं क्वालिफाई कर गया था, क्योंकि ग्रेजुएशन या फिर 12th बेस पर अगर जा रहे हो आप तो अच्छी फाइल आपकी उसी टाइम मानी जाती है कि ये आपके जब 6 बैंड से ऊपर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हो चाहे वो कनाडा के लिए हो, तो आपकी फ़ाइल SDS में जाती है, ठीक है। SDS नॉन SDS का ये मैं पंगा आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि ये ज़्यादा डिटेल में हो जाता है, मेन बात है आप यह समझ रहे चलो कि आपके अब फिलहाल में जो क्राइटेरिया चल रहा है कि 6 बैंड तो आपके ऊपर होने चाहिए, तो आईलेट्स में 9 बैंड में था टोटल स्कोर आता है, तो मेरे 6.5 थे, नॉट लेस देन 6, तो मेरा क्राइटेरिया मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई थी। तो फिर मैंने उसके बाद 2-4 कॉलेज में अप्लाई किया, नॉर्दर्न में किया था, सेंटेनियल में किया था, सैनिका की फुल थी, अंबर की कॉलेज की फुल थी, लैम्पटन कॉलेज में अप्लाई करा, तो मेरा नॉर्दर्न कॉलेज में फाइनली मेरा ऑफ़र लेटर आ गया था। तो मैंने नॉर्दर्न कॉलेज का ऑफ़र लेटर भाई मंगवाना था, उसमें $100 फीस ला गया अगर वो, तो मैंने इसमें नेगलेक्ट करी है, उसमें मैंने इंक्लूड नहीं करी है। तो नॉर्दर्न कॉलेज की जो फ़ीस थी मंगवाने की $100, तो वो भाई मेरा विद इन 7 मेरे 7-1 दिन में वो ऑफ़र लेटर आ गया था। उसके बाद मैंने क्या करना था, मैंने उस कॉलेज की फ़ीस पे करनी थी दिसंबर के लास्ट वीक में, मैंने याद अभी भी दिसंबर के लास्ट वीक 2019 में मैंने फ़ीस पे कर दी थी नॉर्दर्न कॉलेज की, जो की थी मेरी 8,60,000 रुपये 1 साल की, ठीक है, 2 साल का मेरा कोर्स था, तो 1 साल की फ़ीस हमने पहले भर के जानी पड़ा रहा है, तो 1 साल की फ़ीस थी मेरी भाई 8,60,000 रुपये या, तो तीसरा मोटा खर्चा आ गया अपना। उसके बाद अगर हम जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो रिक्वायरमेंट नहीं होती GIC, तो कनाडा में एक GIC अकाउंट होता है जो कि आपका
एक तरीके से आपका ही पैसा होता है, वो आपको पर मंथ के हिसाब से मिलता रहता है यहाँ पर। तो GIC अकाउंट यहाँ पर ओपन कराना पड़ता है। यहाँ पर मैंने स्कोशिया बैंक में ओपन कराया था अपना GIC अकाउंट, और उसमें $10,200 आपने उसमें अमाउंट आपके जो भी फंड्स है वो दिखाने पड़ते हैं, जो कि करीबन करीबन बने थे भाई 5,70,000 के आसपास। तो चौथा मोटा खर्चा होगा अपना GIC का, जो क्या है 5,70,000। मैं इसका लास्ट में टोटल बताऊंगा आप लोगों को, तो कैलकुलेट करने की आपने जरूरत नहीं है, मैं एक बार खर्चे बताऊंगा यार। तो GIC का हो गया चौथे नंबर पर 5,70,000 रुपये मेरे लगे थे खुद के क्या अपने माँ बाप के लगे थे भाई। तो GIC का उसके बाद भाई GIC भी होगी, मेरी फीस भी होगी, मेरी फाइल होगी रेडी, सब कुछ मेरा कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद मैंने फाइल अपनी कर दी लॉन्च। मेरे याद है अभी भी 25 फरवरी 2020 ने मैंने अपनी फाइल लॉन्च कर दी थी, और उसके बाद हम कुल्लू मनाली घूमने गए थे। मेरा भाई आ रहा था अपना ऑस्ट्रेलिया था, नीतीश भाई, तो उसके साथ हम 25 ने मैं शाम ने चला गया था, 12-1 के आसपास मैंने फाइल लॉन्च कर दी थी, मतलब मेरे एजेंट ने फाइल लॉन्च कर दी थी। तो उसमें जो एम्बेसी फीस लगी थी वह लगी थी भाई मेरी 12,500 रुपये के आसपास, 12,500 एम्बेसी फीस फाइल जमा कर। उसके बाद मोटा खर्चा मैं बता देता हूँ, फाइल जमा करने के बाद एक होता है अपना भाई मेडिकल पहले कराना पड़ता है फाइल जमा होने से पहले। तो मेडिकल का था 5,700 रुपये मेरा मेडिकल हुआ था, उसमें ब्लड टेस्ट, चेस्ट का एक्सरे और यूरिन टेस्ट होते हैं, एक दो यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट हो गए, वेट वाट ये छोटा मोटा ही होगी, तो ये होता है अपना मेडिकल में। तो मेडिकल की 5,700 की फीस, एम्बेसी फीस, उसके बाद मैंने फाइल लगवा दी, 12,500 रुपये उसके लगे। तो उसके बाद मेन बात आ गई भाई, फाइल लग गई मेरी। फाइल लगने के बाद भाई मेरी 25 फरवरी ने फाइल लगी थी दोपहर में, और मेरा 4 तारीख ने वीज़ा आ गया था सुबह, मेरे को इन्फॉर्म कर दिया था भाई तेरा वीज़ा आ गया था, मेरा आज ही हो गया था, एक नंबर आ गया थी भाई लजी आ गया आपा। तो चल आगे आती है फिर उसके बाद टिकट्स की। टिकट्स भैया आपने पता है उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो टिकट्स मैं नहीं कर पाया था, मैं इतने थोड़ा मामा मामा घूमने जा रहा था, तो इतने मैं पीछे था लॉकडाउन लग गया, तो मैं टिकट नहीं करा पाया था, दे दिन तेने करा दी थी, तो उनके रिफंड भी लेट आए थे। तो इसमें मैं अपने आप ने सौभाग्यशाली समझूँ कि भाई मैंने उस टाइम पर टिकट बुक नहीं कराई, अगर करा देता तो मेरे कट पिट कर बाद में रुपये आने थे, तो उस टाइम पर मैंने टिकट बुक नहीं कराई थी, ठीक है। तो ये सारा का सारा फिर कोरोना का 22 अप्रैल के आसपास लॉकडाउन लग गया था, क्योंकि मैंने 16 अप्रैल ने जाना था, 22 अप्रैल के आसपास लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद आपने पता है ये सारा काम चला भाई, उसके बाद ये 31 अगस्त ने मैंने अपनी फ़्लाइट की टिकट्स कराई, क्योंकि 31 अगस्त के आसपास ये बंदों ने लेना शुरू कर दिए थे कनाडा ने, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन तो ढीली कर दी। जो टिकट हुई थी मेरी वो आई थी भाई 75,196 रुपये की, 75,196 रुपीज़ की, इंडियन रुपीज़ की। तो ये मेरी टिकट के चार्जेस थे, एयर इंडिया से मैंने टिकट कराई थी, 14 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट थी दिल्ली से टोरंटो की पियर्सन एयरपोर्ट। उसके बाद टिकट होगी मेरी, टिकट मैंने वहीं से इंडिया मैंने भाई जाने से पहले दो चीज़ और होती हैं, एक तो कैनेडियन डॉलर एक्सचेंज करवाने पड़ते हैं, तो कैनेडियन डॉलर जो एक्सचेंज कराए थे मैंने $1,000 करवाए थे, जो कि मैंने पड़े थे 60,000 के आसपास। सब शॉपिंग करी थी भाई मैंने, शॉपिंग करी थी 40,000 के आसपास, 40,000 इंडियन रुपीज़ की। तो ये हो गया भाई सारा का सारा मोटा खर्चा जो मैंने आप लोगों को बताया, शॉपिंग 40,000 की, कैनेडियन डॉलर एक्सचेंज कराई 60,000 की, फाइल मैंने लगवाई थी उसके 15,000 रुपये, टिकट कराई थी 75,196 रुपये की, मेडिकल 5,700 का, एम्बेसी फीस 12,500, GIC 5,70,000 फीस, 8,60,000 आयल्स के, 12,000 रुपये आयल्स करण के, और एग्ज़ाम के 12,500 अलग से। तो टोटल जो मेरा भाई खर्चा बनया एक साल की फ़ीस समेत यहाँ पर मेरा 16,62,896 रुपये, 16.5 लाख के आसपास आप लगा लो मेरा यहाँ पे पैसा लग चुका है। तो ये मैं पूरा का पूरा आप लोगों को बता दी थी, और डाटा भाई आपके आगे हैं तो ये मैंने लिखा था, अरे ये मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि भाई कई है कि मन में क्वेरी थी, और एक भाई का क्वेश्चन भी आया था कि भाई 12th के बाद आए तो बैंड कम चाहिए या नहीं चाहिए। भाई मेरे 6 बैंड तो ऊपर होने चाहिए आपके, जब ये आपकी फाइल अच्छी कंसिडर की जाती है यहाँ पर, तो 6 बैंड थे 6.5 नॉट लेस देन 6, तो बैंड अगर आपके बैंड है तो अच्छे कंसिडर होंगे, तो कोशिश करो कि भाई 6.5 बैंड तो कम से कम आ जाए। तो यो था भाई अपना सारा का सारा ब्यूरा टोटल खर्चा भाई, कितना मेरा खर्चा है, कितने मेरे माँ बाप के मैंने पैसे लगवाए। उसके बाद भाई ये भी इतने पैसे कर खर्चे मैं यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आकर मैंने क्या क्या बेनिफिट है, मैं क्यों आया, इतने रुपये ला के, इतने रुपये ला के मैं उड़े सरकारी नौकरी भी लाया जाता हरियाणा में, तो वो पूरा मैं ब्यूरा अगली वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया, और मेरे को यहाँ पे क्या फ़ायदा लगा, और मैं किस लिए आया हूँ, और मेरे को जॉब के प्रोस्पेक्टिव, जॉब के व्यू पॉइंट से मेरे को यहाँ पे क्या बेनिफिट है। और एक और आपको लोग बता दूँ भाई, मैंने जॉब मेरे को मिल चुकी है, और जो पहली जॉब मेरे को मिली है उसकी अगर आप स्टार्टिंग सैलरी सुनोगे
तो आप भी चौकन्ना हो जाओगे। तो मैं आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी बताऊंगा इस अगली वीडियो में, तो चैनल में अपने सब्सक्राइब कर लियो। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे आते ही मैंने इतने की मिल चुकी है। उसके बाद और ये एक दो दो तीन मेजर कारण होते कि भाई हमारे जैसे बंदे जो पढ़े लिखे हैं इंडिया में नहीं मिल पाता इतना रोज़गार ना। अपने आपने पता होगा इंजीनियर्स हैं अपने में भाई, इतनी मतलब पढ़ाई अच्छे तरीके से करते हैं और फिर भी उनको जो उन्होंने पढ़ाई की उसके प्रोस्पेक्टिव उसके व्यू पॉइंट से उतनी सैलरी नहीं मिल पाती कि वो अपनी जितनी भी ज़रूरतें हैं जिनकी भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर सकें। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये सारे के सारे पॉइंट मैं अगली वीडियो में आपको लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि क्यों मैं यहाँ पर आया और क्या क्या पॉइंट मैंने कंसीडर किए कि भाई हाँ मैं यहाँ पाऊँगा तो मेरे को ये चीज़ अच्छी मिलेंगी इंडिया से। तो सारी की सारी मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। और जॉब लग चुकी है, जॉब बताया मैंने अभी फ़िलहाल में, तो ये सारा का सारा वाइप हो रहा था कि मेरा टोटल खर्चा कितना होया। अगर अगली वीडियो आपने देखनी है तो व्यू अपने जो वीडियो है इसका लाइक एम रखते हैं आप 2500 लाइक, 2500 इसने लाइक आप पहुँचा दियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।